दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे लिए बोतल में पानी गरम करके रख देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्यों जाती हो तुम जिम अदिति? क्या जरूरत है तुम्हें जिम जाने की? घर के काम करके भी तो फिट रहा जा सकता है। जिम जाना बस एक बहाना है, घर के जिम्मेदारियों से भागने का अब बस करो। इस शौक को बिना मतलब पैसे गवाने का क्या मतलब? पति आलोक के ये शब्द सुनकर सन्न सी हो गई अदिति। दिन भर की नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती थी वो। यहाँ तक जानने वाले हमेशा इस बात की तारीफ करते कि नौकरी के साथ कैसे अपने घर को इतने अच्छे से संभालती हैं। शुरू शुरू में जब जिम जाने की बात कही थी तब तो खुशी खुशी आन गए थे आलोक, अब क्या हो गया? सोचते हुए आंखों के कोर गीले हो गए। अभी ऑफिस निकलना था इसलिए उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। रसोई का सारा काम खत्म कर जल्दी जल्दी आलोक और अपना टिफिन पैक किया। सासू माँ के लिए खाना गरम रखना वाले डब्बे में रख जाने को तैयार हुई तो सासू माँ वसुधा जी ने आवाज लगाई, बहू मेरे लिए पानी भी गरम करके रख देना। बोतल में मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, मैं तो हिल भी नहीं पा रही। पूरा दिन अकेले कैसे बीतता है मैं ही जानती हूँ। जी माँ, कहकर इलेक्ट्रिक केतली में पानी डाला। पानी उबला तो उसे बोतल में डाल कर झटपट ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची तो काम के बीस बीस में उसे बार बार आलोक की बातें याद आई और साथ में पापा की बातें भी। जब भी पापा उसके रिजल्ट देखते तो गर्व से कहते, मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसे अपने लिए, अपने खर्चों के लिए पति के पैसों की जरूरत नहीं होगी और वो दिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आज अपने ही कमाए पैसों को खुद की मर्जी से नहीं खर्च कर सकती। जिम जाने की मर्जी उसकी थी और अपने लिए इतने सालों बाद कुछ सोचा वो भी आलोक को मंजूर नहीं। जाने क्यों उसे आज अपने अस्तित्व पर शक सा होने लगा? क्या एक औरत को अपने लिए या घर के लिए कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और वो भी तब जब शादी और गृहस्थी में उसे समान अधिकार प्राप्त हैं। आधे दिन तक काम करने के बाद सर में दर्द सा होने लगा। आज जाने क्यों पापा की रह रह कर याद आ रही थी। मन हो रहा था कि पापा के पास भाग कर जाऊं और खूब शिकायत लगाऊं आलोक की, समाज और समाज के उस सोच की जो औरत को सिर्फ कर्तव्य के दायरे में
बांधना चाहते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो तुरंत तुम औरत हो और तुम्हें अधिकार नहीं, ये कह उनके अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। पापा से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पापा के नजर में आलोक बहुत लायक पति है। मैं उनका ये खूबसूरत भ्रम नहीं तोड़ना चाहती। वो ये भी नहीं चाहती कि पति पत्नी के बीच की बात कोई भी तीसरा जाने चाहे, वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो। लंच के बाद आधे दिन की छुट्टी ले ली, घर चली आई। सोसा थोड़ा आराम करेगी, घर पहुंची, दरवाजा खुला था, देखा अंदर आई तो सासू माँ बैठी फोन पर अपनी बहन से बातें कर रही थी। वो बड़ी खुश होकर कह रही थी, दिन भर कराहने वाली सासू माँ खूब हंस के बातें किए जा रही थी। हाँ, मैंने भी आलोक की समझा दिया क्या जरूरत है अदिति को जिम जाने की, ऐसे ही पतली दुबली है। अरे, घर के काम करके भी तो फिट रहा जा सकता है। दिन भर घर के बाहर रहने में उसे अच्छा लगता है। मजाल क्या कि जरा भी मेरा ख्याल रख ले, देखना अब आलोक उसे जाने ही नहीं देगा। सासू माँ की बातें सुन अदिति के आंखों से आंसुओं की दो बूंद उसके गालों पर ढुलक आए। उसे समझ में आ गया आलोक के वो शब्द कहाँ से आए हैं। सुप साप अपने कमरे में चली गई, सर दर्द की दवा खाई और आराम करने लगी, लेकिन आंखों से नींद जैसे गायब थी। जाने क्यों बेचैनी सी थोड़ी देर बिस्तर पर लेटने के बाद उठ गई, बालकनी में गई, देखा बादल उमड़ घुमड़ आए थे। शायद उसके अंदर सल रहे उतल पुतल को प्रकृति ने भी पहचान लिया था। पूर्वा हवा लगातार उसके बदन को सुए जा रही थी। उन हवाओं की स्वच्छंदता को महसूस कर पा रही थी। उसने अपने बंदे बाल खोल दिए, बालों को भी ये आजादी खूब भा रही थी। प्रकृति की स्वच्छंदता को उसने महसूस किया, जानती कि कैसे प्रकृति बंदे बांधाई नियम पर सल कर दुनिया को पोषित करती है, लेकिन साथ में अपनी आजादी और स्वच्छंदता को भी नहीं छोड़ती। शाम हुई, आलोक भी ऑफिस से वापस आया। अदिति ने सभी के लिए चाय बनाई, खुद तैयार होकर जिम निकलने को हुई तो आलोक बोल पड़ा, अदिति मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, शायद तुम्हें बात समझ नहीं। आलोक की बातें सुन अदिति उसकी तरफ मुड़ी और बोल पड़ी, आलोक आपने जो कहा मैंने सुना, आज तक सुनती ही आ रही हूँ शुरू से, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती आ रही हूँ। आज तक कभी कुछ नहीं कहा, गृहस्थी से जुड़े सारे फैसले आप लेते रहे और मैं साथ रही। मैं भी आपके जितना ही कमाती हूँ, साथ में घर भी संभालती हूँ। घर का कोई एक काम कहिए जो मैंने बखूबी ना संभाला हो। क्या मैं किसी कर्तव्य को निभाने में पीछे रही? आज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के
लिए जिम जाना चाहती हूँ तो ये मेरा अधिकार है, और अपने शरीर के लिए क्या सही और क्या जरूरत है उसका निर्णय लेने का अधिकार पूरा मेरा है, और इसमें मैं किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अदिति बिना रुके बोले जा रही थी, जैसे वर्षों से आपने अधिकार का हनन देख उसके अंदर कोई नासूर पल रहा था, और वो नासूर आज फट चुका है। बोलते बोलते उसकी सांस सड़ने लगा और आंखों से जैसे सहस्त्र धारा बह निकला। वो फिर बोल उठी, आलोक मैंने कुछ पूछा आपसे, बताइए कि मैं अपने कर्तव्य निर्वाह में कहीं पीछे रही? क्या मैंने आपका बच्चों का और माँ का ख्याल नहीं रखा? अगर मैं अपने कर्तव्य निभाने में फेल नहीं हुई तो मुझे अपने लिए फैसला लेने का अधिकार है, और उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। आलोक बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, वो अदिति को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो सवाल सूबते हुए से थे लेकिन सही थे। घर ही नहीं बाहर के सभी अदिति के व्यक्तित्व के कायल थे। क्या मजाल की कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तक उससे असंतुष्ट हुआ हो? बच्चों को भी अदिति ने इतने प्यार और सने से पाला था कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और सभी उन बच्चों को देख अदिति की परवरिश को सराहते थे। आलोक ने माँ की तरफ देखा, माँ भी चुपचाप थी, कहती, क्या उन दोनों की सुपी देख अदिति ने अपना बैग उठाया और निकल पड़ी जिम के लिए। जानती थी जो सवाल पूछा है उसका जवाब उन दोनों के पास है, लेकिन वो देंगे नहीं। अगर देंगे तो वो उसके अस्तित्व का महिमा मंडन करेंगे जो उनके बस का नहीं है। वो चुपचाप चले जा रही थी, लेकिन आज उसके उठे हर कदम में आत्म सम्मान और आत्मविश्वास की धमक थी। पहली बार उसने अपने खुद के अस्तित्व को स्वीकारा था, और आज पापा के कहे हर शब्द जैसे उसके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। आज उसने एक निर्णय लिया, आपने लिए अपने शरीर के लिए, जिसके लिए उसके किसी के इजाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शरीर सिर्फ और सिर्फ उसका है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।